हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है इधर। आई थिंक आपको आवाज़ भी आ रही होगी हल्की हल्की, क्योंकि आंधी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रखी है इधर। और अभी मैं यहाँ पे सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि सब्जियाँ जो है वो अभी आई हैं, और आने से पहले मैंने बाकी के जो कुछ कुछ काम थे वो कर लिए हैं, और बाद में बनना रह गया था सब्जी का बनाना, तो मैं बस वही बना रही हूँ। और आज बना रही हूँ कद्दू। और आप लोगों के यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ कुछ लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जस्ट लाइक अ पेठा, और अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया, जीरा और राई डाली थी, और अजवाइन डाल के, और लहसुन प्याज और मिर्ची को इसमें हल्का हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। और उसके बाद में जो मैंने कद्दू को काट के रखा हुआ था उसे इसमें मिक्स कर देंगे, और जो सारे मसाले बाकी की सब्जियों में डालते हैं उन्हें डाल के, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे ढक के रख देना है। और जब ये गल जाए तो एक कच्ची आमी इसमें डाल दें, जिससे सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ यहाँ पे। और अभी मैं करूँगी बेड को क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कल शाम के कपड़े भी पड़े हुए हैं, और कल शाम को आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ आई थी तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ था कि मैं ये करूँ, क्योंकि लाइट चली गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी सुबह पोछा लगाने से पहले सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, सब्जी बनाने के लिए रख दी है। धीरे धीरे सारे सारे काम करूँगी मैं। और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं पास्ता। आकाश आ गए थे और काई भी बोल रही थी कि पास्ता बना दीजिए क्योंकि भूख लग रही है, और टाइम जो है वो 10 बज गए हैं। खाना एक्चुअली में हमारे यहाँ पर लेट ही खाते हैं, वैसे तो 10 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, बट हमारे यहाँ 10 बजे जो है ब्रेकफास्ट हो रहा था। तो यहाँ पर ना मैं पास्ता को बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, और जब तक पास्ता बॉयल होएगा तब तक मैं जो पास्ता की प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ ये प्याज, और प्याज को मैं स्लाइसेस में कट करूँगी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं। और यहाँ पे जो पास्ता है वो भी बॉयल हो गया है, यानी कि अच्छे से हो गया, और मैंने इसमें ना हल्का सा घी भी डाल दिया था। और अभी कढ़ाई रखूँगी, और कढ़ाई को ना इग्नोर करना है, इस कढ़ाई का कलर ही ऐसा है कहीं कहीं से हट गया है, जो बोलते हैं ना सस्ते वाले नॉनस्टिक, ये वो है, तो इसका कहीं कहीं से हट गया है, तो ये काली काली गंदी लगती है। तो अभी इसमें मैंने हल्का सा राई डाला है, और थोड़ा सा नहीं राई ही डाला है सिर्फ, उसके बाद में अदरक और लहसुन डाल के हल्का सा, बहुत 2 मिनट 1 मिनट के लिए ही उसे डालना है। और उसके बाद में इसमें मैंने डाल दिया जो स्लाइसेस करे हुए प्याज रखे हुए थे उन्हें डाल दूंगी, और ये बहुत हल्का हल्का पिंक करना है इसे। उसके बाद में टमाटर को डाल के, नमक आप डाल दें और काली मिर्च हल्की सी डाल दें इसमें, बाकी कुछ भी नहीं करना होता है आपको। और जो पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था उसे भी डाल के 2 मिनट तक के लिए इसे चलाते रहें, पका लें। और मेरे पास अभी मेयोनीज़ नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें जो दूध की मलाई रखी हुई होती है ना घर में, वही डाल रही हूँ, और इसे डाल के ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है ये। और आ जाइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट ले लीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और सुबह को एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती बिना खाए कुछ भी काम करने की। और मैं सुबह, हम लोगों का ये होता है कि जब से उठते हैं प्रॉपर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो अभी इन लोगों का हो गया है, मैंने भी थोड़ा सा ले लिया था, और गाय सो रही थी यहाँ पे, बार बार आके लेट रही थी वो। तो बेडरूम जो है ये वाला, इस वाले रूम में अभी आजकल हम शिफ्ट हो गए हैं, और ज़मीन पे ही हमने गद्दा डाल के रखा हुआ है यहाँ पे, तो इस रूम को मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसे क्लीन करूँगी फटाफट से, और ये सारी बेडशीट वगैरह भी मेरे को चेंज करनी है, क्योंकि रात का ही उन्हें गड़बड़ कर दी कुछ थोड़ा सा, तो अभी मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी है। एक्चुअली मैं कई बार सपने में हो जाता है, वैसे मोस्टली वो बता देती है, बट फिर भी बच्चा है, इट्स ओके। और अभी बेडशीट भी चेंज हो गई है, और इसके बाद मैं अभी मेरे को पोछा वगैरह लगाने, कपड़े वॉश के लिए रखने हैं, तो वही बस यहाँ पर करूँगी, और अभी लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन।
और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, वो सारे मशीन में लगा के आ गई हूँ। और जो किचन में चाय वगैरह के और जो सुबह ब्रेकफास्ट के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, उन्हें क्लीन करूँगी। साथ के साथ अब स्लैब को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी स्लैब पे कोई काम नहीं होना है। 2 बजे के समथिंग या 1 या 1:30 के समथिंग खाना बनेगा, तो खाना लेट ही बनता है, तो तभी बनाऊंगी। और अभी मैं स्लैब को क्लीन करके छोड़ दूंगी, ताकि जो पूरा घर है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और नहा के निकल के आओ ना, तो उसके बाद में जो घर साफ़ दिखता है तो अच्छा लगता है। तो बस मैं वही क्लीन कर रही हूँ। और रूम में सॉरी किचन में जो है, मैंने लाइट ऑन नहीं करी हुई है, तो उसकी वजह से क्लैरिटी भी नहीं आ रही है। तो अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। मशीन मैंने एक बार लगा दिए, एक बार वापस से लगाऊंगी, क्योंकि कल भी कपड़े जो है वो मैंने वॉश नहीं करे थे, तो इस वजह से आज मशीन मेरे को 2 बार लगानी होगी। और आज जो बेडशीट है वो भी 2-3 हो गई हैं, क्योंकि दूसरे वाले बेड की जो बेडशीट है उसे भी मैंने चेंज किया हुआ है। तो अभी मैंने सिर्फ मशीन लग रही है, तो मशीन में तो 1/2-1.5 घंटा लगेगा, तो ये कपड़े तो मैं बाद में ही सुखाऊंगी। जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा लगाने से पहले ही मैं हमेशा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो पता होगा कि मैं वॉश बेसन तभी साफ़ करती हूँ जब मैं पोछा लगाने के लिए जाती हूँ, तो वॉश बेसन को साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। वैसे इसे हम यूज़ नहीं करते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं, कभी कभी जैसे कायू ने हैंड वॉश वगैरह कर लिए। इस वॉश बेसन को हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस वाले वॉशरूम को भी हम यूज़ नहीं करते हैं। बाहर वाला जो वॉशरूम है ना, उसे हम यूज करते हैं, तो वही यूज होता है। तो अभी यहाँ पे पोछे के लिए मैं पानी ले रही हूँ, और पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या फिर मन नहीं है, तो फिर मैं बकेट वाले से लगा देती हूँ, वरना तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे आज मैंने ना रात आंधी आई थी, तो हल्का सा लाइजोल भी डाल के रखा हुआ है इसमें पानी में, ताकि क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, फ्लोर अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मेरा पोछा डेली इसी तरीके से लगता है, बहुत सारे लोग इसी तरीके से लगाते हैं, और मेरे को इसी तरीके से पसंद आता है कि एकदम क्लीन लगता है, कोई निशान नहीं दिखाई देता, कोई डस्ट नहीं रहती, और कुछ भी नहीं रहता एकदम से। हम उसे भी लगाते हैं ना बकेट वाले से, हाँ सही लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेरे को फिर भी ऐसा लगता है यार, कहीं मतलब निशान दिख रहा है, एक हल्का सा धागा, धागे जैसा निशान दिख रहा है, तो ऐसा कुछ रहता है मन में। और अभी दोपहर हो गई है, दोपहर नहीं 3 या 3:30 के समथिंग बज गए हैं, तो मैं काई के लिए यहाँ पे चीनी पराठा बना रही हूँ। और आज दोपहर में चली गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो भाभी है वो जल गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं अचानक से उनका फ़ोन आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसी चली गई थी। और मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे मशीन में, धुल तो गए थे, सुखा नहीं पाई थी। तो अभी शाम को आके मैं वहाँ से देख के आई, 3-4 घंटे उनके पास रुकी, और फिर अभी शाम को आ गई हूँ, क्योंकि पास में ही रहते हैं वो लोग, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जल गई हैं, और सडनली ऐसा हो गया, तो मैं आपको दिखा दूँगी, फ़ोटो दिखा दूँगी, तो आप देख के बताना। और तो मैं वहाँ से आ गई थी, और मन भी नहीं लग रहा था अभी मेरा कोई भी काम करने में। आना मेरे को इसलिए पड़ा कायू की वजह से, कायू वहाँ पे नहीं रह रही थी, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, बच्चे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मानते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आ गई। वरना तो मेरा था कि मैं 1-2 दिन रुक जाऊँ, क्योंकि छुट्टियाँ भी चल रही हैं, लेकिन फिर घर पे भी काम पड़ा हुआ था बहुत सारा, यहाँ पे इसे कोई नहीं करने वाला था, और मैं चली गई थी तो सारा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था। तो अभी मैंने आके कपड़े सुखा दिए हैं, और आने के बाद मैं शाम को फिर मैं शाम के खाने की तैयारी होना शुरू हो गई है यहाँ पे, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। और अभी बनाऊँगी मैं तुरई, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग तो तुरई ही बोलते हैं इसे, और इसकी मैं मसाले वाली तुरई बनाऊंगी, रस वाली नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आकाश जो है वो मसाले वाली ही खाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट मैं खा तो लेती हूँ ऐसा नहीं, बट मेरे को पानी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। सिंपल सी बनाओ एकदम, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, तो वही सिंपल तरीके से बनाना है कि इसमें जो मसाला है उसे मैंने पीस लिया है मिक्सी में, और ऑयल गर्म होने के बाद मैं जीरा डाल दिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसी में मिक्स कर लिया था प्याज में, और इसी में हरी मिर्च भी मिक्स कर ली है। और ये अच्छे से भुन जाए, इसे कच्चा ना रहे, वरना कच्चा रहेगा ना तो इसकी स्मेल आती है, फिर सब्ज़ी में टेस्ट नहीं रहता बिल्कुल भी। और इसके बाद में मैंने हल्दी नमक मिर्च डाल के इसे फिर से मिक्स कर लिया है, और जो तुरई कट करके रखी थी उन्हें भी थोड़ा ना बड़े साइज़ में मैंने काट के रखा हुआ है। और यहाँ पे ये सौंफ है, और सौंफ मैंने पीसी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो जुगाड़ करूँ इसका, तो मैं बेलन से इस तरीके से क्रश कर रही हूँ इसे, बट हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली अदरक वाले में मैं इसे करूँगी। तो हल्का हल्का हो गया है, और इतना ही मेरे को चाहिए था। और जो हम मसाले वाली तोरी बनाते हैं तो उसमें ना सौंफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है,
तो अभी यहाँ पे मैं कट करके रख दूँगी, सैलेड भी कट करके रख दूँगी जब तक सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि फिर खाना रह जाएगा बस। तो जब भी आकाश और काई वगैरह आएंगे खाने के लिए, मांगेंगे, तो मैं फटाफट से खाना बना दूँगी। और यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो भी बन के रेडी हो गई है, 2 मिनट की कमी रह गई है बस इसमें। और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करा था, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप बना के देखना एक बार ज़रूर। तो चलिए इस व्लॉग की एंडिंग। मैं फ्री हो गई हूँ अभी किचन से, सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, और खाना बनना बाकी रह गया है। तो खाना वाना मैं तभी बनाऊंगी जब खाना होगा, अभी से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठंडा हो जाएगा। और गरम गरम रोटियां ही अच्छी लगती हैं खैर खाने में तो, लेकिन बनाने में जो पसीने निकलते हैं ना वो बहुत बुरी वाली हालत होती है। बट कोई नहीं, और रूम में आके इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से निकलो ही मत बिल्कुल भी। बट अभी लगना पड़ेगा किचन में खाने के टाइम पे। वैसे ऑलमोस्ट सारे काम जो है वो हो गए, सब्जी बन गई है, सैलेड हो गया है, और मैंने रायता भी बना के रख दिया है, और आटा वाटा लग गया है, सारी चीज़ें हो गई, बर्तन भी क्लीन कर दिए। और जस्ट मैं अभी फ्री हो गई हूँ, तो अभी बैठूंगी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी मैं इस व्लॉग की यहीं पे एंड करूंगी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी निकल रहा है मुँह में से। और आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखें अपना, और मेरे को कॉमेंट जरूर करके बताया करें आप लोग, जिससे ना पता है अगर एक भी पॉजिटिव कमेंट और कमेंट्स अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, जितना पढ़ने में अच्छा लगता है उतना ही मोटिवेशन फील होता है, अपने आप को मोटिवेट लगता है कि हाँ भाई कोई मोटिवेट कर रहा है। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट जो हैं वो ज़रूर किया करें, नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिविटी वाला ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ ऐसा मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो आप मेरे को नेगेटिव कमेंट करोगे। और बाकी रही आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है। तो चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं करती हूँ, तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टट्टा बाय, टेक केयर, खुश रहिए, प्यार बांटिए। आई थिंक लाइट जो है कुछ तो गड़बड़ कर रही है।